हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर सो ऑन द करंट अफेयर्स। नाउ सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू दिस डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक दैट इज आजाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट दैट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर। ओके, इट्स इंडिया रीजन। सो वी विल डिस्कस व्हाई इट इज कंसर्न फॉर इंडिया, ये इंडिया के लिए क्यों कंसर्न है, how it's going to impact the relation with neighboring countries with India, and it's a very important current affairs topic 2020 and 2021, because in the government examinations, if you are preparing them, this is a very important topic, and in government examination interviews, like recently BPSC 64th mains इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट कम्स अंडर इंटरनेशनल रिलेशन। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स इंपैक्ट्स, नेगेटिव इंपैक्ट्स, पॉजिटिव इंपैक्ट्स, एंड ये हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश बोथ। हमारा नोट्स भी हिंदी इंग्लिश बोथ अवेलेबल है, दोनों लैंग्वेज में, आपका कोई भी भाषा हो नो वरी। ओके, सो आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द बेसिक ऑफ दिस, व्हाट इज एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट इज, एंड इट्स व्हाट्स गोइंग टू इट्स इम्पैक्ट वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन। सो दिस इज दिस प्रोजेक्ट आजाद पतन हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ये काश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर रीजन में पाकिस्तान ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट किया और वो डेवलप कर रहा है एक हाइडल प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी है 700 मेगावाट। इट्स अ ह्यूज कैपेसिटी एंड इट इज बीइंग सेड दैट इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रोजेक्ट अंडर द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, दिस इज द वन पॉलिसी अंडर विच और एग्रीमेंट, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस टोटल प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी 1.5 बिलियन US डॉलर, राइट, अमेरिकी डॉलर, 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर इसका होने वाला है। और यह कहाँ हो रहा है, यह डैम का कंस्ट्रक्शन झेलम रिवर पे हो रहा है। ओके, ये झेलम रिवर पे हो रहा है और वो डिस्ट्रिक्ट है सुधनोटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर का एक रीजन है, वहां पे हो रहा है। सो इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग इंडिया हैज ऑब्स्ट्रक्टेड, इंडिया हैज ऑलवेज उसको विरोध ही किया है इस प्रोजेक्ट को, मगर फिर भी इट्स स्टिल working has been started, agreement between these two countries has started, so we'll discuss the all the impact. So agar dekha jaye is jhelum project pe, to as of now there are 5 hydel project which are going on, okay, which are going on, and this project is one of them, unme se ek hai, okay, ye scheme par, and other 4 are mehal, kholal, this kholal, chikoti, हथियान एंड कैरोट प्रोजेक्ट। ये चार प्रोजेक्ट हैं, अब प्लस एक ये आजाद पतन ये प्रोजेक्ट हो रहा है, तो टोटल झेलम पे अभी 5 हाइडल पावर प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्किंग इज गोइंग ऑन, इज बीन प्रपोज्ड। ओके, सो हियर आप यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं, हिंदी नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, हिंदी में ही है, और इट है, ये आशा किया जा रहा है कि ये कमीशन हो जाएगा 2024 तक। और ये प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट इस तरह है कि इनिशियली इट विल बी अंडरटेकन एंड बीन टेकन बाय द चाइना, ओके, चाइना, एंड आफ्टर 30 इयर्स दिस विल बी गोइंग टू ट्रांसफर टू पाकिस्तान, गवर्नमेंट पाकिस्तान, उसके बाद 30 साल के बाद ये पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड करेगी ये प्रोजेक्ट, उससे पहले तक 30 साल तक चाइना इसका यूज करेगी इस प्रोजेक्ट का। ओके, और ये प्रोजेक्ट कहा जाता है, ये प्रोजेक्ट चाइना सीपीईसी फ्रेमवर्क के तहत इस पे वर्क वो लोग कर रहे हैं, इट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे होता है, क्वेश्चन होता है कि व्हाई इट इज कंसर्न फॉर इंडिया। सो हमारा मेन पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि इंडिया के लिए किस तरह कंसर्न है। सो आई हैव इंक्लूडेड अबाउट 5 पॉइंट्स, 5 मेजर पॉइंट्स अंडर विच दिस प्रोजेक्ट कैन हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसके टेरिटरी इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफ्लिक्ट विद नेबरिंग नेशंस और इंटरनेशनल नॉर्म्स को देखा जाए उस प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, तो ये सब चीज, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टेरिटरी इंटीग्रिटी
हाउ दिस इज गोइंग टू कंसर्व टेरिटरी इंटीग्रिटी की तरह से ये क्यों है कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना के साथ, ये क्या रोल का प्ले कर रहा है, और छाबहार प्रोजेक्ट अभी रेल प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये उसे भी इम्पेक्ट कर रहा है, उसके रिलेटेड भी कंसर्न है, तो वो क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है these are not following international norms by the international authorities organizations से जो एक norms होती है कोई भी एक जो country में जो एक project होता है multi bilateral से जो project का development होता है more than two countries का involvement होता है किसी project में एक particular set है norms है international norms है वो guidelines को follow करना पड़ता है so these things are all violated over here. So that's why that is also a concern, security concern है, we will see detail in this security concern यहाँ पे वो क्यों है। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारा टेरिटरी इंटीग्रिटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टेरिटरी इंटीग्रिटी से हमारा किस तरह ये इंडिया के लिए ही कंसर्न है। सो एज पर दिस this project is constructed under POK, Pakistan Occupied Kashmir. So from very beginning India has always protested the construction of this type of dams in POK and Gilgit-Baltistan. Okay, so this is the matter of territorial integrity, right? So it is claimed by India that POK is a part of India, and obviously it's a part of India, but that's why the construction are being done by the other parties, third parties, different on the occupied रीजन, तो वहां पे ये इंडिया प्रोटेस्ट किया है और ये इसके अगेंस्ट में ही है, फेवर में नहीं है। सो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। अब ये बहुत तरीके से एक चाइना के साथ इंडिया चाइना रिलेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है चाइना के साथ, इसमें भी हैम्पर होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रही है चाइना की, राइट। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रोजेक्ट अभी ये देखिए अभी ये सिचुएशन फ्यू डेज बैक वी हैव already seen what happened, military conflicts between India and China in Galwan Valley region. इसी सब दौरान में ये सब project ऊपर आए हैं, ये situation में आए हैं. So that's why this is a point to think that in any way the intention behind this is not good, because why these are coming in that type of situation where with India and China the relation is not as much good as of now. In this COVID, amid COVID situation, military conflict हुआ गलवान वैली में, incident हम लोगों ने देखा, वो सब देखा, उसके बीच में ये project आया, उसका time fix हुआ इस project का, तो that's why at the back of the scene there is some conspiracy or something else. Okay, so that is directly conflicting the India and China relation. Okay, अब उसके बाद ये भी अभी एक project है, छाबहार rail project, right? ये छाबहार rail project India China पार्टनर विद ईरान, ये प्रोजेक्ट छाबहार में चल रहा है, ठीक है। तो अब ये सब सिचुएशन के दौरान ये भी ये हैम्पर कर सकता है इंडिया का और ईरान का रिलेशन, यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट, ये सब एक्टिविटीज इस प्रोजेक्ट को, इंडिया का ये प्रोजेक्ट एक मेजर प्रोजेक्ट है, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट ला सकता है इंडियन प्रेजेंस इन दैट पर्टिकुलर रीजन इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो दिस इज आल्सो इंडिया स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स, ये एक जो प्रोजेक्ट था छाबहार रेल प्रोजेक्ट जो है इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है, किसके रिस्पॉन्स में, अगेन सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के एक रिस्पॉन्स में, ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। सो समवेयर इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कंटिन्यू देन इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है, तो ये सब प्रोजेक्ट पे भी इंपैक्ट करेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है सबसे मेजर पॉइंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर और हाइलाइटिंग पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो है दिस प्रोजेक्ट ऑल दिस डैम्स कंस्ट्रक्शन इन पीओके रीजन दीज आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, जो भी अंतरराष्ट्रीय जो गाइडलाइंस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पर्टिकुलर रूल अप सेट हुआ है, वो ये सब रूल्स को वायोलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, दैट वाई दिस इज ऑल्सो ए नॉट गुड, दिस इज नॉट अ गुड टू इन प्रोग्रेस, सो दैट्स वाई इंडिया इज ऑल्सो प्रोटेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस, और दिस इज द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया टू, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ओपननेस, यहाँ पे कोई है ओपननेस नहीं है, कोई भी क्लैरिटी किसी चीज की क्लैरिटी नहीं है, कोई ओपननेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इस प्रोजेक्ट में नहीं है कि क्या होगा लॉन्ग टर्म में, क्या होगा इस तरह का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका फाइनेंस कहाँ है, किसका इसमें कितना परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या है, वो सब इसमें प्रोजेक्ट में क्लियरिटी नहीं है, तो दैट इज द पॉइंट दैट हिट्स दैट इट्स नॉट एट ऑल
some giving the negative impact on India and neighboring relations. ओके okay, तो अब यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न। तो इस पॉइंट से सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज्यादा है वो रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, चाइना अपना इकोनॉमिक पावर को इनहेंस कर रहा है, प्रेजेंस को इनहेंस कर रहा है इन दैट रीजन, राइट। इट कैन बी फॉलोअर्ड अगेंस्ट इंडिया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स इंक्रीजिंग इट्स जियो पोलिटिकल लीवरेज इन दिट इंडिया, ठीक है। अपना वो जो सिद्धांत है चाइना का, जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, एक तरह से वो उसको लीवरेज कर रहा है। सो इन दिस वे लेटर ऑन इट कैन हैव अ इंपैक्ट ऑन इंडियन वेस्टर्न इंडियन ओसिन में उसका इंपैक्ट हो सकता है फ्रॉम विथ गर्दार पोर्ट। ओके यहाँ पे गर्दार पोर्ट है, वहां पे जाके फिर उसका इंपैक्ट हो सकता है उस रीजन पे जो कि नियर टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ओके स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ये नजदीक में है। सो ऑल दीज आर सम ऑफ द पॉइंट, दीज आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया इन लेटर ईयर इन कमिंग ईयर्स। सो राइट, सो ऑल दीज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये सब पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा और ये सब, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दीज आर द मेजर पॉइंट्स। अगर आप कोई एग्जामिनेशन की, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जैसे कि बीपीएससी की 64th का मेंस का रिजल्ट आ गया है, उसके लिए अब तो ये जो टॉपिक होगा, ये सब टॉपिक जो है ना और ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की करें तो ये सब पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो दिस टॉपिक इज टोटली बेस्ड ऑन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके तो Now, अब कुछ समझ लेते हैं, व्हाट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो है CPEC है क्या, इसका इंटेंशन क्या है, ये क्या शो करता है एक्चुअली। देखिए चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज अ पार्ट ऑफ वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी ऑफ चाइना। एक चाइना का पॉलिसी है, वो पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड का। तो इस पॉलिसी के तहत क्या करता है, वन बेल्ट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड फ्रॉम वन economic country to the other country on a point to develop economic approach, economic visibility. Okay, वहाँ पे कि economic expansion हो, तो उसी की तरह ये पाकिस्तान के साथ भी है, so that, but India is not opposing this policy of China's and the intent is to improve the infrastructure in the Pakistan. अभी के तहत इसका पॉलिसी का क्या है कि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इंप्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फर्दर इंटीग्रेट द कंट्रीज ऑफ दैट रीजन। अब और बाद में उस रीजन के अलग अलग कंट्रीज को उस प्रोजेक्ट से, उस रोड से, उस बेल्ट से जोड़ा जाए, एडअप किया जाए। सो दीज आर द मेन पॉइंट वेयर दिस CPEC प्रोजेक्ट हाईलाइट्स एंड टू कंपोनेंट। वन बेल्ट रिफर्स टू द लैंड बेस्ड बेल्ट, ठीक है, मींस कनेक्टिंग थ्रू वाया रोड from one country to another country or in the country in the region of Pakistan, right, approaching road. And one road refers to the ocean going, right, connectivity of ocean connectivity which include maritime silk road. यहाँ पे एक maritime silk road का जो ये एक पूरा एक belt है sea route to China, तो उसको connect करना है इसका, तो ये region है which aim to connect the eastern. अब उसके बाद में इसका aim है कि eastern Asian economic region को connect करना European economic circle के साथ and run across the continent of Asia, Europe और Asia को, ये सब को connect करना countries को on the ground of economic expansion. But अगर अच्छे से ध्यान से देखा जाए तो ये main policy और main aim नहीं हो सकती है, right? So इस पे आपका क्या opinion है, इस टॉपिक पे आपका क्या कमेंट है, तो प्लीज पुट इन द कमेंट आपका राय, आपका अनुभव जो इस चीज पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट चैनल का जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि हमने हिस्ट्री से, पॉलिटी से बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलरेडी पब्लिश्ड, ठीक है। प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जामिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके तो चलिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।